आज की इस वीडियो में उन शोबिज के फनकारों के बारे में बात करेंगे जो साल 2021 में माँ बाप बने। यसरा रिजवी। अदाकारा यसरा रिजवी ने शादी प्रोड्यूसर अब्दुल हादी से 2016 में की थी और शादी के 5 साल बाद पहली बार उनके यहाँ नन्हे मेहमान की आमद हुई। सानिया शमशाद। सानिया शमशाद शोबिज इंडस्ट्री की खूबसूरत और बासलायत अदाकारा हैं। उन्होंने ईद के पुरमसरत मौके पर अपने चाहने वालों को खुशखबरी सुनाई कि उनके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है। सादिया गफ्फार और हसन हयात। अदाकारा सादिया गफ्फार और गुलूकार हसन हयात ने मार्च 2020 में शादी की थी। उनकी शादी तकरीब में मुतादद शोबिज फनकारों ने शिरकत की। शादी के 1 साल बाद जोड़े ने पहले बेटे को खुशामदीद कहा। उनके यहाँ 7 जुलाई 2021 की सुबह बेटे की पैदाइश हुई। राबिया कुलसुम। अदाकारा राबिया कुलसुम के शोहर रेहाम नाजिम ने 8 मई को अपने सोशल मीडिया अकाउंट की पोस्ट के जरिए मदाहों को बताया था कि उनकी हां बेटे की पैदाइश हुई है। बिलाल कुरैशी और उरुसा कुरैशी। अदाकार बिलाल कुरैशी और अदाकारा उरुसा कुरैशी गुज़िश्ता माह दूसरी बार वालदेन बने थे। बिलाल कुरैशी ने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हुए अपने परिस्तारों को खुशखबरी सुनाई थी कि उनके यहाँ दूसरे बेटे की पैदाइश हुई है जिसका नाम उन्होंने रोमान रखा है। राबिया अनम। राबिया अनम मुल्क की जानी मानी न्यूज़ एंकर और टीवी होस्ट हैं। राबिया अनम को भी अल्लाह ताला ने रवां माह के आगाज में बेटे से नवाजा है। उन्होंने अपने नन्हे शहजादे का नाम मोहम्मद सालार उबैद रखा है। इकरा अजीज और यासिर हुसैन। इकरा अजीज और यासिर हुसैन साल 2019 में एक पुरवकार तकरीब में रिश्ता अजदवाज में मुंसलिक हुए थे। शादी के 2 साल बाद उनके घर खुशियों ने कदम रखा है। यासिर हुसैन ने अपने नौजायदा बच्चे की तस्वीर शेयर करते हुए अपने मदाहों को आगाह किया कि उनके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दें।